हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रियलमी मोबाइल से गूगल क्रोम को या क्रोम ब्राउज़र को कैसे डिलीट या अनइंस्टॉल करें। तो गाइस, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसका भी सलूशन बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, क्या करना है, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करके लिखना है ऐप। अगर आप ऐप लिखेंगे तो ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट नाम की सेटिंग मिल जाएगी, आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर ऐप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं यहाँ पर आप आ जाएंगे। और गाइस, अगर आप सर्च बार से नहीं जा पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं, आपको सेटिंग में जाना है, फिर आपको आ जाना है नीचे और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट वाले सेटिंग को खोजना है, ऐप्स वाले सेटिंग को खोजना है जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं, इस पर क्लिक करना है, फिर ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। अब आपको आ जाना है नीचे सी पर जहाँ क्रोम मिलेगा, तो क्रोम पर करना है क्लिक। अगर आपके पास क्रोम बीटा है तो इस पर क्लिक करके आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल या डिलीट हो जाएगा। अब गाइस, अगर क्रोम को करना है डिलीट तो इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ऊपर की साइड दो डॉट पर क्लिक करना है, फिर अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके कर देना है। आपके फ़ोन से इसका जो भी अपडेट रहेगा डिलीट हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब गाइस, क्या करना है, आपके फ़ोन से हटेगा नहीं, केवल अपडेट डिलीट होगा। अब आपको क्या करना है, फोर्स स्टॉप का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है, आपके फ़ोन में बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन ये बंद रहेगा तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, ये चालू रहेगा इस प्रकार, तो इसे यहाँ से बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको बैक आना है। अब गाइस, देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, डिसेबल का, जहाँ से अनइंस्टॉल हमने बताया था करने के लिए क्रोम बीटा को, वहीं पर डिसेबल का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपके फ़ोन से हट जाएगा गूगल क्रोम। अगर आपके फ़ोन में शो कर रहा है डिसेबल वाला ऑप्शन, तो अगर आपके फ़ोन में शो नहीं कर रहा है, जैसे कि मेरे में शो नहीं कर रहा है डिसेबल वाला ऑप्शन, तो यहाँ से डिसेबल नहीं होगा, आपके फ़ोन से परमानेंट नहीं हटेगा। लेकिन अगर रहेगा भी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके फ़ोन में बंद रहेगा। फिर कभी भी आप इसे चलाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अपडेट करके चला सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर डिसेबल वाला ऑप्शन चालू है, शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक करके ओके कर देना, आपके फ़ोन से डिलीट रिमूव हो जाएगा और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।